ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम ये दक्षिणामूर्ति क्या मतलब, तो इसके एक तो मोटा अर्थ भी है कि भगवान ये अपने दक्षिणामूर्ति जो है शिव जी हिमालय में जहाँ रहते थे वो कहाँ कहाँ रहते हैं हिमालय में, उनका जगह संभाल है कैलाश में, तो कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग में बैठ के स्वामी जी रहते हैं। तो वो दक्षिण भाग में, दक्षिण मतलब साउथ होता, तो वो भाग में वहाँ कोई लिखते तो है कोई वट वृक्ष था उसके नीचे बैठ के इत्यादि बोलते हैं। तो वट वृक्ष हिमालय में तो होता नहीं है, तो कहीं तो बैठे होंगे, तो बैठ के उपदेश वो देते रहे, तो इसलिए दक्षिणा की तरफ बैठ के किए थे, इसलिए भी उनका नाम दक्षिणामूर्ति पड़ गया, एक तो ये बोलते हैं। और अपना अध्यात्म में क्या होता है, तो हमारे जो हृदय है, एक तो फिजिकल हृदय है, लेफ्ट साइड है जो शरीर के लिए रक्त प्रवाहित करता रहता है, तो आध्यात्म में जो स्पिरिचुअल हार्ट जो बोलते हैं, तो अधिकतर हमारे यहाँ चर्चा ज्यादा हुई नहीं शास्त्रों में। हृदयम बोलने से यही मांसपिंडी ये लेते हैं लेफ्ट साइड वाला, ऐसे लोग अर्थ ऐसे लिखते रहते हैं। रमण महर्षि ने क्या कहा कि उनको जैसे अनुभव हुआ है, तो हमारे जो सेंटर भाग है चेस्ट का, उसका टू डिजिट्स टू द राइट, थोड़ा सा राइट में यहाँ जो अपने आत्मा का अस्तित्व इधर है, वो स्पिरिचुअल हार्ट है, वो फिजिकल नहीं दिखेगा भी नहीं। ये बड़े डॉक्टर लोग सिर पार करके देखेंगे तो वो दिखेगा, वो है स्पिरिचुअल हार्ट। और उसके फिर प्रमाण क्या है, एक प्रमाण तो ये है जो बोले तो मई, कोई भी बोलेगा तो मई ऐसे बोलेगा, मई करके यहाँ नहीं दिखाएगा, यहाँ नहीं दिखाएगा, तो ऑटोमेटिकली मैं स्वयं करूंगा, मैं करके एक उंगली से हम यहाँ बताते हैं। एक तो ये आत्मा का स्थान ये, और दूसरा है यदि कभी दुख होता है या सुख होता है तो भारीपन जो होता है लगभग यही सेंटर में ही कुछ थोड़ा सा आघात होता है, बहुत दुख हुआ या बहुत भी आनंद हुआ तो भी यही होता है। इतना है मरना जो होता है इसको स्टॉप होने चाहिए, क्योंकि ये तो मरने वाला नहीं है, तो वहाँ केवल उसका स्मरण होता है वहाँ आत्मा का, तो उसको बोलते हैं। और ये कहाँ है, थोड़ा टू डिजिट्स टू राइट है, तो दक्षिण भाग में है, तो इसलिए आत्मा मई हूँ, मैं आत्मा चैतन्य हूँ, तो मैं कहाँ हूँ, सिर में हूँ कि पैर में हूँ या और कोई हाथ में हूँ, न इधर कहीं नहीं है, वो हाथ में है, हृदय में है। तो हृदय कुहर मध्य, ये हृदय रूप हृदय है, एक गुहा जैसा है, उसके बीच में भगवान प्रकट होते हैं। ये रमण महर्षि का एक श्लोक है, हृदय कुहर मध्य, हृदय रूप के कुहर होता है के, जैसे पहाड़ के केव में लोग रहते हैं ऐसा, उसके बीच में हृदय कुहर मध्य केवल ब्रह्म मात्र, यही शुद्ध आत्मा है, ब्रह्म है। ब्रह्म इसलिए बोला कि सब जगह है, सब सबके शरीर में भी है वो, केवलम ब्रह्म मात्रम ही निश्चित रूप से। कैसे मालूम, तो अहम अहम इति साक्षात आत्म रूपेण भाति, हर व्यक्ति को यही मई 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 करके आत्म रूप से हो रहा है। तो फिर कहाँ हो रहा है ध्यान हम देते नहीं, टेक फॉर ग्रांटेड, मैं शरीर में हूँ इतना तो मालूम, मैं पहाड़ में हूँ ऐसा तो नहीं है, तो शरीर में हूँ इतना तो मालूम है, तो हम ध्यान तो हम नहीं देते हैं। परंतु उनका क्या, मेरे को अपने समाधि में अनुभव हुआ के इट इज इन द राइट साइड ओनली। अच्छा, इसके लिए फिर कुछ और प्रमाण ढूंढे, तो एक प्रमाण ये है कि मध्य वामन वासीनम विश्व देवा उपासते, ये भी एक वेद में है, तो मध्य शरीर के सेंटर में मध्य में जो बैठे हुए रहते हैं वामन मन, बहुत सुंदर आत्मा का स्वरूप क्या है, बहुत सुंदर है, सत्य है, चित्त है, आनंद है, उसमें कोई दुख नहीं, कोई कालुष्य नहीं है, तो नो ब्लेमिश है, इसलिए ये बहुत ही सुंदर है। ऐसी देव ऐसे महात्मा की पूजा विश्व देवा उपासक है, तो सारे देवता लोग भी इसी की उपासना करते हैं, तो देवता भी करते हैं तो मनुष्य तो करते ही हैं,
जान के करे अनजान के करे, तो इसलिए ये मध्य शरीर के बीच में है ये शब्द उधर आया, मध्य वामनमासीनम विश्व देवा उपासके। और फोटो में भी देखा होगा जो हनुमान जी छाती फाड़ के दिखाते हैं राम लक्ष्मण और सीता कहाँ पर है, सेंटर में दिखा, तो वो लेफ्ट लेफ्ट नहीं नहीं दिखाते हैं, तो ऐसा है। फिर बाइबिल में एक एक वाक्य मिला, द फूल हैज इज हॉट ऑन द लेफ्ट बट द मैन हैज इट ऑन द राइट, ऐसा लिखा है, ये भी एक है। फिर एक मलयालम भाषा में आदित्य हृदयम, ये आयुर्वेद का आयुर्वेदिक शास्त्र, उसमें भी यही लिखा बोलते हैं। तो स्पिरिचुअल हार्ट राइट साइड में, इसलिए राइट साइड वाले मूर्ति हमारे, तो ये कौन हुए, तो यही तो यही भगवान शिव जी हैं। और यहाँ कौन है, वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे गुरु हैं। इसीलिए अब साधारण रूप से गुरु माने कोई व्यक्ति के रूप में, तो हमारे गुरु आए हैं हमको उपदेश दिए हैं, तो हम तो शरीर को गुरु मानते हैं, तो इसलिए लोग भी कहते हमारे गुरु जी मर गए, तो बड़ा शॉकिंग लगता है बोलने से, अरे गुरु कोई मरता नहीं, आत्मा है गुरु। तो इसलिए गुरु अपने आत्मा को ही हम गुरु कहते हैं, तो जीवात्मा नहीं है ये। तो इसलिए ये अभी अभी जो मंत्र पढ़े ना, ईश्वर हो गुरु आत्मा के तीन, भगवान ईश्वर भी गॉड भी और गुरु भी अपने अंतरात्मा, ये तीनों जो है। तो मूर्ति भेद विभाजनी, अपने आप को तीन में विभाजित किया, एक ही तत्व एक है तो तीन रूप है उसका, अपने आत्मा अंतरात्मा भी है, गुरु भी हुई है और ईश्वर भी हुई है। ये अपने ये वेदांत की बात है, ये भक्ति मार्ग वाले नहीं है, ये जन्म मार्ग इधर अलग है। तो इस तरह से हमारा रियल जो आत्मा है वही हमारा गुरु है। तो इसलिए अच्छा गांधी जी बोलते माई इनर वॉइस, आई गो अकॉर्डिंग टू इनर वॉइस, वो इनर वॉइस क्या यही चीज है, वहीं से जब वो फास्टिंग करते हैं और बहुत सिंसियरली प्रेयर करते हैं, एक दिन दो दिन तीन दिन गए, कोई समस्या आई उसको समस्या को कैसे निपटाएं, तो वो इसी पर आधारित रहते थे, फास्टिंग करके और प्रेयर करके रहते हैं। तो एक दिन जवाब मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, सेकेंड में या थर्ड जब भी मिलेगा तब मालूम होगा दिस इज द ट्रूथ, इनर वॉइस है करके फिर वो उसको चलते थे। और कभी कभी ऐसा हुआ इनर वॉइस लगा और उसको अमल में रखा, तो क्यों हुआ वो काम होता ही नहीं, तब सोचा भाई पूरा इनर वॉइस नहीं, मेरा अहंकार भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो अदरवाइज इट शुड सक्सेस। तो अधिकतर सक्सेस होता था हमको, तो कभी कभी ऐसा भी हुआ, मैंने अहंकार भी और ये इनर वॉइस भी इतने गिले रहते हैं कि वो ये आत्मा की वॉइस है कि अपने अहंकार की है, कभी पता नहीं लगता। तो बहुत शुद्ध आत्मा जो फास्टिंग कर रहे हैं सिंसियर है तो लगभग हो ही जाता है इनर वॉइस, तो वही वो गुरु जी को उपदेश समझ लो आत्मा का वॉइस है, इस तरह से रहते हैं। तो उनको बाहर गुरु नहीं थे गांधी जी से, फिजिकल गुरु कोई थे नहीं, फिर भी हमेशा एक भगवद गीता पढ़ते थे और या इस तरह से इनर वॉइस सुन के फिर वो काम करते थे। इनर वॉइस को सब लोग मानते तो हैं, एक किस्म का होता है अंतर्वाणी या इनर वाणी और आकाशवाणी, ये हृदय रूप ये भी एक आकाश है, हृदय आकाश, तो ये कैविटी बोला ना, तो वहां पर आकाश तो है तो अंतर्वाणी है। तो इस तरह से अपने निज स्वरूप का यहाँ वर्णन है, गुरु जी का वर्णन है, आत्मा का ही यहाँ वर्णन है, सब्जेक्ट मैटर हमारा आत्मा है और कोई व्यक्ति नहीं, गुरु हम व्यक्ति में थे, व्यक्ति द्वारा हमको ज्ञान हुआ है तो ठीक है, हम व्यक्ति की पूजा भी करते हैं इसलिए, तो फिर भी हम शरीर को आत्मा नहीं मानना चाहिए। तो गुरु जी हमारे इसलिए ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति, देखो कैसे कैसे गुरु जी का वर्णन है, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम दिव्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षीभूतम, सबके हृदय का विटनेस है, हमारे हृदय हमारे साक्षी जो है, अपने मन की बात हम जानते हैं, कैसे कौन जानते हो, वो साक्षी आत्मा ही है। तो इस तरह से वो गुरु होते हैं, केवल सर्वधी साक्षी रूपम भावातीतम, भाव मैंने होता है अस्थि जायते वर्धते विपरिणमायते, इतना है जो जो मॉडिफिकेशन शरीर आदि में होते हैं उनमें कोई भाव कोई विकार नहीं,
भावातीतम त्रिगुण रहित सत्व रजस तमस, ये तो प्रकृति के गुण है, वो गुण भी उनमें नहीं है। त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि, तो ये सद्गुरु होते हैं, तो ये भी तो आत्मा ही है। तो उसी के लिए यहाँ पर शंकराचार्य जो लिख रहे हैं, ये अपने गुरु जी के स्वरूप का, तो गुरु जी का स्वरूप भी, अपना स्वरूप भी, अपना तत्व भी, परम तत्व भी, ब्रह्म ब्रह्म है, ऐसे कई शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, तो अल्टीमेट है उसका ही वर्णन है। अच्छा, तो पहला श्लोक क्या है? विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजान्तर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतम यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् दक्षिणामूर्तये नमः इदम्। ये मेरा नमस्कार है किनके लिए? श्री दक्षिणामूर्तये, तस्मै श्री गुरुमूर्तये, तो हमारे गुरु के रूप में जो है, और अर्जुन का नाम यह दक्षिणामूर्ति भी तो होता है, तो दक्षिणामूर्ति जो हमारे गुरु हैं उनको नमस्कार है। अच्छा, तो उनका क्या स्वरूप है ये बता रहे, वो उनका ज्ञान के बारे में। तो विश्वम, ये जो ब्रह्मांड है सारा, ये सारा ब्रह्मांड है, तो सारा ब्रह्मांड का ज्ञान किसको हो रहा है और कहाँ हो रहा है, ये प्रश्न होता है हमको। ज्ञान विश्व में जिसको हमको देखते हैं, तो विश्व कहाँ है? वो विश्व मेरे से तो भिन्न है और बाहर भी है, वर्ल्ड इज आउटसाइड एंड आई एम सब्जेक्ट आई सी, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया और ये तो मैं ऑब्जेक्ट मैं सब्जेक्ट हूँ, ऐसा भेद तो है। तो यहाँ वैसा नहीं है बोल रहे हैं। तो शुभम जो है दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, तुल्यम मैंने इक्वल बराबर है, दर्पण में एक लुकिंग ग्लास में, लुकिंग ग्लास ऐसे रखेंगे तो सारा पहाड़ आकाश तारा मंडल इसमें प्रतिबिंबित होते हैं। अथवा कोई कैनवस ले लो, वहाँ पेंटिंग करने वाले पेंटिंग करते हैं, तो पेंटिंग में भी आप देख सकते हैं सारे थोड़े पिक्चर में सब कुछ वो पेंटिंग करते हैं। तो इस तरह से एक किस्म का पेंटिंग हुआ, सारी दुनिया का एक पेंटिंग जैसा रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब है एक दर्पण में हुआ। यह दर्पण शब्द किया ही है, तो दर्पण में लुकिंग ग्लास में द होल थिंग इज रिफ्लेक्टेड। इसी तरह से ये सारे विश्व भी ऐसा रिफ्लेक्ट, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, उसका कहाँ हो रहा है? दर्पण दृश्यमान माने दर्पण में जो देखा जाता है, ऐसा जो नगरी को कोई सिटी मान लो, वहाँ कलकत्ता सिटी है, बॉम्बे सिटी है, किसी ने फोटो ले लिया। हम लोग आजकल के दुनिया में तो फोटो हम अच्छे समझते हैं, फोटो ले लिया, फोटो तो थोड़ा ही रहता है और उसको वो कैनवस में प्रोजेक्ट किया तो सारा दिख जाता है। तो इस तरह से सारा चीज का वो प्रोजेक्शन, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है सारा सिटी का, द होल सिटी, और जितने वहाँ सिटी में क्या नहीं रहता है। हम लोग देखे वहाँ वो जो टावर जिसको बांध के है ना न्यूयॉर्क में, वो बहुत ऊंचा वाला है। हम लोग उसको चढ़ने गए, ऊपर चढ़े तो वहाँ बहुत हवा चलती है और बहुत इतना ऊंचा है, तो उसको चढ़ने से बाहर ही सारा वो दिखता है, चारों ओर फैला हुआ है वो शहर, और कितने प्रकार के बिल्डिंग्स हैं, कोई हाई है, कोई ज्यादा हाई है, कोई लो है, और गाड़ियां जा रही हैं, बस जा रहे हैं, सब कुछ दिग्दर्शन हो जाता है। एरियल व्यू जैसा होता है, एरियल व्यू देखा हमने इस तरह से, वो सारे का सारा फिर यहाँ कौन दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है मेरे को, उसको हम दिख रहे थे ना, तो हम तो वहाँ कोई फोटो तो किसी ने नहीं लिया, ऐसा लग रहा है मैं अपने आंखों से तो देख रहा हूँ, कहाँ देख रहा हूँ, वो बाहर वहाँ देख रहा, सारे ऑल राउंड इट इज देयर, तो इस ऐसे से दिखता है। तो इसलिए दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, हमारे विश्वम कथम दृश्यते, दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम दृश्यते, हमको दिखता है। अच्छा, परंतु है कहाँ वो? दिख तो रहा है, बाहर दिख रहा है। कभी कभी होता है, क्या होता है, यहाँ ऊपर पहाड़ में लोग पत्थर तोड़ते हैं और हम यहाँ बैठे हूँ, तो मुझे वो क्या होता है, यहाँ से कोई रिपोर्ट जैसा आवाज आती है, वो क्यों,
उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब एक हुआ बोलते प्रतिध्वनि, वहां जाकर के वहां से लौट के इधर आया था, तो हो तो कहीं रहा है सोर्स, और लग रहा है इधर से आ रहा है। तो इसी तरह से किसी का ये दांत में कभी दर्द हुआ आपको, दांत में दर्द हुआ तो पता नहीं लगेगा कि कहाँ कौन से दांत में दर्द है, डॉक्टर को भी उसे चोट लगा के देखता है, तो मैं तो सोचा थर्ड है और वो फोर्थ निकलता है। तो ऐसी भ्रांतियां कई हमको होते हैं। गाड़ी में भी देखे, स्टेशन में हमारी गाड़ी रुकी है, दूसरी गाड़ी जा रही है, ऐसे लगता है हमारी गाड़ी जा रही है और वो गाड़ी खड़ी है, अब तो हमारी गाड़ी भाग रही है, पेड़ भाग रहे हैं उल्टा, ऐसा ऐसा लगता है। तो ये ऑप्टिकल एरर आंखों से भी एरर होता है, हमारे को ज्ञान भी ऐसे होता है। इसी तरह से विश्व जो है बाहर है वो हम देख रहे हैं, तो ऐसा करके ज्ञान होता है, परंतु बाहर नहीं है वो, कहाँ है, निजांतर्गतम, अपने ही अंदर है, अपने अंदर है, दिखता बाहर है, तो अंदर होता हुआ दिखता बाहर है। अच्छा, तो निजांतर्गतम ऐसा जो विश्व है, पश्यन आत्मनि, अपने आत्मा में देखते हुए हम लोग देखते रहते हैं। तो आत्मा माने यहाँ कौन भी आत्मा ले लें, शुद्ध आत्मा नहीं, ये अंतकरण को भी हम आत्मा बोलते हैं। हम अपने अंतकरण में ही, माइंड में ही, थ्रू माइंड ओनली वी सी एवरीथिंग। तो वो माइंड हमारा कहाँ है, हमारे अंदर तो है, कोई बाहर तो है नहीं, तो रिफ्लेक्टेड इन द माइंड, मन में हमारे संस्कार भी हैं, तो उसको रिकॉग्निशन, वाह दिस इज टावर, दैट इज ब्रिज, दिस इज कार, ये सब सारा डिस्टिंक्शन कहाँ हो रहा है, वो मन में तो हो रहा है, तो बाहर तो दिख रहा है, पर डिस्टिंक्शन तो हम अंदर करते हैं। तो ये कह रहे हैं वास्तव में ये दिख भी वही रहा है, अंतकरण में ही दिख रहा है, तो भी हम मानते हैं हमको ये भ्रांति हो रही है कि वो बाहर दिख रहा है। पश्यन आत्मनि, तो माया बहिर्व उद्भूतम, कोई एक मिस्टीरियस कोई पावर है, कोई चमत्कार हो जाता है, हम भ्रांति में क्यों पढ़ते हैं, तो पता नहीं वही आई इट इज लाइक दैट, मेरे को इधर से आता हुआ सुन रहे हैं, तो कोई एक कोई मिस्ट्री है, तो लॉजिकल नहीं है वो, यहाँ आ रहे वहीं से तो आना चाहिए। तो इस तरह से ये एक माया शक्ति है, अब माया शक्ति किसकी होगी, मेरी ही होगी, अपनी तो होगी, भ्रांति हमको हो रही है, कोई दूसरा आदमी मेरे को कोई भ्रांति में नहीं डाल रहा, इसलिए माया शक्ति माया या बहिर्व उद्भूतम, ऐसा लगता है बाहर हुआ जैसा, एज इफ इट इज टेकिंग द वर्ल्ड इज एग्जिस्टिंग आउटसाइड, बाहर है ऐसा ही है, ऐसा करके होता है। तो उसका दृष्टांत तो बताओ, कौन एक ऐसा दृष्टांत है, सर्वमान्य होना चाहिए, एवरीबडी शुड एक्सेप्ट। तो निद्रया यथा निद्रया, आप जब सो जाते हैं, सोने के बाद क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, जो कुछ वेकिंग जागृत अवस्था में हम देखते हैं सब देखते हैं, वहां भी नदी है, वहां यात्रा में गए, एक दिन भूखे रहे, कुछ नहीं मिला, तड़पते रहे, ये सब दुनिया भर की चीज आपको सपने में दिख जाते हैं। तो सपन में देखते हो तो कैसे दिखते हैं, वो भी बाहर हुआ जैसा दिखते हैं, परंतु जब जग गए तो मेरा अरे इट वॉज माई ओन माइंड, कुछ नहीं था वहाँ, तो मैं गया, ये तो मैं यहाँ बॉम्बे क्या पहुंचा, मैं वो तो मैं बॉम्बई में हो रहा था, इस बॉम्बे में मैं देखा था ये सारे घटना जैसे लगता है। तो निद्रा में जैसा है सब कुछ बाहर है जैसा लगता है, उठ करके ये बोलेंगे नथिंग वॉट माई माइंड, मेरे मन में ही ये सारा एक स्वप्न मैं देखा, और ज्यादा महत्व भी नहीं देंगे उसको, डिसमिस करेंगे, वो तो एक स्वप्न है, चलो तो कोई रियल नहीं है, तो रियल कौन है जो जागृत में देखते हैं, अभी हम देख रहे हैं ना, इसको हम रियल मान रखे हैं, और इसी का प्रतिबिंब मन में संस्कार पड़े, वो संस्कार की वजह से स्वप्न में दिख जाता है, और उसमें वो स्वप्न की माया, एक श्रम और जो स्वप्न अवस्था का ही कोई लक्षण ऐसा होता है कि उसमें हमारा लॉजिक नहीं चलता, वहाँ यहाँ का तर्क वहाँ नहीं चलता, मुझे स्वप्न हो जाएगा, मान लो यहाँ 50 साल से मैं यहाँ देख रहा हूँ, है एक दिन स्वप्न ऐसा आया, यहाँ एकदम बाढ़ आ गया, यहाँ पानी नदी जैसा पानी आ गया और बड़ा खड्डा बन गया, तो उस वक्त विश्वास हुआ ये खड्डा हुआ भी पानी है, पता नहीं आश्रम में बह जाएगा, ऐसा करके अनुभव हुआ। तो फिर उठ गया तो ऐसे सब स्वप्न है, कहाँ यहाँ पानी तो आ नहीं सकता, पर ये तर्क वहाँ क्यों नहीं लाए आप, स्वप्न में भी तो तर्क कर सकते थे, अरे 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ यहाँ कोई पानी आने का चांस नहीं, ये क्या दिख रहा है, तब ये मेमोरी वहाँ फेल हो जाती है, और वहाँ का तर्क ही अलग है, वहाँ का तर्क वहाँ का दृष्टि, क्योंकि वो अवस्था ही कोई दूसरी है स्वप्न अवस्था।
इसी तरह से सुषुप्ति अवस्था में तो दोनों जाते हैं, सुषुप्ति में गए दीप स्लिप में गए तो जागृत भी का भी पता नहीं और स्वप्न का भी पता नहीं। तो ये तीन तो हम सबको होता रहते हैं, रोज होता रहते हैं, कभी याद है नहीं नहीं है ऐसा। सुषुप्ति में कुछ नहीं ज्ञान हुआ, पर कुछ नहीं ज्ञान हुआ करके याद तो है आपको, है आप शांति रही बहुत वहां। तो ये जो अनुभव किए करते हैं उसी को तो हम याद रखते हैं। याद किसकी बात होती है, जो आपने देखा है सुना है एक्सपीरियंस उसी का तो ज्ञान होता है। इसलिए बहुत शांति रही मेरे को करके ये आप बोल रहे हैं उठ करके जागृत में आके, तो इसका अनुमान क्या होता है कि सुषुप्ति अवस्था में ड्रीमलेस स्टेट में भी हमको शांति का आनंद का अनुभव हुआ है। आई सॉ नथिंग बट इट वॉज वेरी ब्लिसफुल, बहुत अच्छा था, ये ज्ञान तो रहता है हमको। इसलिए सुषुप्ति में भी आत्मा है, जागृत में भी आत्मा है, स्वप्न में भी आत्मा है। और सब सुषुप्ति में नहीं, स्वप्न में तो जगत को ऐसा देखते हैं कि हमको बाहर हम देख रहे हैं या तो, और स्वप्न में भी देखते वक्त तो बाहर ही ऐसा लगता है, पर उठ के बोलेंगे कि नहीं वो तो गलत था, बाहर नहीं था, वो तो मेरे मन का ही था। इस तरह से तीन अवस्था होते हैं। तो इसलिए प्रपंच कहाँ है, विश्वम वास्तव में निज अंतर्गतम आवर पश्यन आत्मनि, तो भी माया शक्ति है कुछ जिसकी वजह से ये निद्रा का निद्रा जो आती है वो स्लम्बर नींद है ना, तो वो भी एक अवस्था तो है, उसी में भ्रांति होती है और उसी को ये हम माया शब्द का अर्थ कह सकते हैं। स्टूपर जैसे इंग्लिश में होता है तो उसमें उल्टा सुलटा दिख जाता है, कहीं हम नींद में उड़ते उड़ते भी हैं, हम लोग उड़ के भी जाते हैं। साथ पित्त प्रदान हो गया तो नाड़ियों के में तो ऐसा स्वप्न आएंगे जैसे हम उड़ रहे हैं। अच्छा यदि कफ प्रदान हो गया तो कहीं पानी में डूब रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है, पहाड़ से जो गिरने वाले हैं इत्यादि भिन्न भिन्न होता है, वो सब नाड़ी के अंदर ही होता है, अपने शरीर में ही और मन से ही होता है, परंतु इससे इन्फ्लुएंसेस भाई ये जो सत्व पित्त है वायु है तप है इनसे प्रभावित होकर भिन्न भिन्न स्वप्न आते हैं। तो ये जो होता है आप क्या बोलेंगे आपको, तो वो बोल रहे हैं इसी को माया बोलो। तो माया एक किस्म का एक माया है, तो बहिरा है तो अंदर ही लगता है बाहर, बहिरी उद्भूतम यथा निद्रया। अच्छा ऐसा जो होता है तो पर ये कब तक होता रहेगा, हमेशा ऐसा ही है क्या? नहीं हमेशा नहीं होगा, यदि आपको ज्ञान हो जाएगा अध्यात्म मार्ग में चल पड़ेंगे तो इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, मन को करेंगे तो, और शास्त्र पढ़ेंगे सत्संग करेंगे, ये सारे साधन करने से आखिर में ये ज्ञान होता है। या यश साक्षात कुरुते प्रबोध समय, प्रबोध समय, ये प्रबोध दो प्रकार का, डेली वेकिंग है हमारा जागृत अवस्था डेली है वो भी प्रबोध समय है, और जब आत्मज्ञान हो जाएगा आत्मज्ञान उसको भी वो प्रबोध ही बोलते हैं, प्रकट से ना वेकिंग, रियल वेकिंग वही होता है। तो यही जो आदमी ये सारा ज्ञान किसी को तो होता है ना, तो जिसको होता है यह साक्षात करते, जो साक्षात करते हैं, साक्षात करते माने डायरेक्टली एक्सपीरियंस है किसको, वो विश्व को, विश्व जो बाहर देखा था उसको वो देखते हैं साक्षात करते प्रबोध समय स्वात्मान मेवा। ओ तो कहते तो अपने ही स्वरूप तो अपने ही मन, और मन भी अपने स्वरूप आत्मस्वरूप ही है वहाँ सब मिल करके, तो ये अब मन भी मन के अनुभव भी और दुनिया भी सब ये एक आत्मा ही है, ये नहीं कि वो भी है और आत्मा है दो है ऐसा नहीं, द होल थिंग बिकम्स ओनली आत्मा ही है, जैसे सारे स्वप्न इज नथिंग बट माइंड। इसी तरह से ये ज्ञान आत्मा का हो जाएगा तो आत्मा कोई अलग चीज है शरीर में बैठा इत्यादि नहीं है, वो तो वो आत्मा ही है, आत्मा ही व केवलम ऐसा ज्ञान होता है। तो ऐसा जिनको होता है ये साक्षात करते प्रबोध समय स्वात्मान एवं अद्वयम, ये अद्वय होता है नॉन डुअल, कोई दूसरा नहीं है। अब ये ज्ञान होने से एक शब्द से तो हमको अब थियोरेटिकली सुना ले तो हो रहा है हमको, पर तो ये थियोरेटिकली वो थियरी रहता है, प्रैक्टिकल होगा साधन करके करके, जब मन पूरा शुद्ध होगा तो फिर ये ज्ञान होगा। तो अभी तो ये होगा कि आई एम मिस्टर सोन सो इत्यादि ज्ञान होता है, तब होगा इदम सर्वम यदय महात्मा, ओहो जो इदम मन ये है वो है करके नाम रूप में सोचता था
ये सब आत्मा ही है, नो रियलिटी वास्तव। इस तरह से जिनको होता है वो हमारे गुरु हैं। अब देखो ये सारी चीज यहाँ इसमें ऐसा वर्णन है, केयरलेस होने से ऐसा लगता है कि सारे दुख गुरु जी को हो रहा है, साधन भी उन्होंने की है, रोया भी उन्होंने, आत्मज्ञान भी उनको हुआ, ऐसा ऐसा लग रहा है। तो ऐसा क्यों बता रहे हैं? कि इसलिए बता रहे हैं, हम भी तो अब वो गुरु भी हमारे आत्मा से एक दो बोल रहे हैं, तो हमको तो अब हो रहे हैं ना, हम फायदा कौन हुए? तो आई हैव टेकन पार्ट, ये तो होता और फिर ज्ञान किसको चाहिए? तो मेरे को चाहिए। सब ऐसा हो रहा है ना, तो ऐसा जिसको हो रहा है वास्तव में उनका स्वरूप ये है, यहाँ फिर वेद दृष्टि है ही नहीं। तो गुरु जी ही सब्जेक्ट टू ऑल सफरिंग जैसे लग रहा है, आत्मा ही सब्जेक्ट टू अद्वैत में, यही हम लोग अद्वैत में तर्क में ये समझ में नहीं आता है, इसलिए अद्वैत लोग हार जाते हैं यहीं पर है। भाई आत्मा आपका आनंद स्वरूप है ना, और अद्वैत भी है, फिर उसमें अज्ञान कहाँ से आया, उसमें जन्म मरण कहाँ से आया? तो वहां पर इसलिए वहां बोला भाई एक माया है एक माया है, परंतु ये तो थियरी की बात नहीं, अगर आपको ऐसा हो रहा है कि नहीं, ये शंका किसको हो रही है? तो बोलते आपको हो रहे हैं, तो फिर शंका आपको हो रही है तो आपको तो अनुभव है, अच्छा आपको दूसरी चीज अनुभव नहीं है, कोई हम अद्वैत आत्मा आपको अनुभव नहीं है, क्यों? आप आंखों से भी देख नहीं सकते हैं, मन से भी नहीं सोच सकते, आपके इसके कोई प्रमाण आपके पास आएंगे, अवेर मच यू राइट यूर ब्रेन यू नॉट फाइंड आउट, तर्क से यह नहीं होने वाला है। तो इसलिए तर्क विल टेक यू ए लिटिल डिस्टेंस, ज्यादा नहीं होता, इसलिए ये केवल शास्त्र ही का गम्यम नहीं है, ये शास्त्र से ही मालूम होगा, शास्त्र है जैसे गुरु जी समझाते हैं। तो यदि भी मैं नहीं जानता हूँ तो भी ये वस्तु स्थिति ऐसी है, तो इसे फिर आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। ऑल्दो इट इज नॉट, इट इज अपीयर्स इलॉजिकल, बट इट इज नॉट इलॉजिकल, इट इज ट्रांस लॉजिकल है, ट्रांस लॉजिकल यानी ट्रांसेंडिंग लॉजिक, जो हमारा तर्क बुद्धि है तो उससे ये आगे है। हाँ, तो ये फिर जब वो ज्ञान होगा तब ये मालूम होगा, उससे पहले होगा नहीं। तो ये एक विवेक स्वामी रामचीर से एक दृष्टांत देते हैं, एक बहुत ही क्या डॉक्टर इन लॉ, तो फर्स्ट प्रसूति होने वाले समय आया था, तो उसने अपने मदर इन लॉ से कह दिया, मदर इन लॉ मैं ये देखना चाहती हूँ जब बच्चे बाहर आता है कैसे आता है ये देखना चाहती हूँ, इसीलिए तो हो सकता है मैं नींद में पढ़ूं और बच्चा पैदा हो जाए, तो ऐसा करो मुझे आप जगाना, मुझे जगाइए तो तब मैं देखना चाहती हूँ। तो उसने बोला अरे कैसे मूर्ख व्यक्ति हो तुम, सारी ये मोहल्ला को होगा उस वक्त दर्द के मारे ऐसे चिल्लाएगी कि सब लोग उठ जाएंगे, तो तुमको उठाने की जरूरत नहीं। अब देखिए अज्ञान है, अज्ञान हो तो उसको पता नहीं कैसा होता है, तो पता था नहीं, तो कई चीज ऐसे होते हैं जो तर्क से बाहर होते हैं, वो लेवल आने से समझ नहीं आएगा। इसी तरह से कोई बच्चा होता है प्रीकॉशियस चाइल्ड बोलते हैं, प्रीकॉशियस मैंने है तो छोटी उम्र का, पर बड़े लोगों का ज्ञान रहता है, कोई बड़ा बहुत इतना ब्रिलियंट रहता है, बड़े लोगों का ज्ञान रहता है, कई चीजों को वो समझ लेता है। अच्छा ये क्या बच्चा समझ लेता है वो, फिर भी यदि उसको छोटे उम्र में मान लो कि 8-9 साल का है, उसको ये काम उद्रेक होता है जवानी में, वो कैसा रहता है आप कितना भी समझाओ वो समझेगा ही नहीं, वो कितना भी ब्रिलियंट रहेगा, जब ये जब प्यूबर्टी आएगी जवान बनेगा जो बॉडी कॉन्शियस में आएगा, तब मेल फीमेल का डिफरेंस होगा, तब काम है तब क्या होता है तब अनुभव होता है। तो इसी तरह से हम लोग चाहे कितने भी इंटेलिजेंट होंगे हम, तो ये अज्ञान ऐसी चीज है, जब वो ज्ञान का उदय होता है तभी ये सारी अच्छी तरह से हमको समझ में आएंगे। तो उससे पहले तो ये थोड़ा सा थियोरिटिकल ऊपर का ज्ञान है, वो ऐसा रहता है, तो इसलिए फिर आखिर में होता हमको ही होता है, तो हमारा क्या होगा, तो मैं ही ब्रह्म था, कभी न मोह था न अंधकार था, ऐसा ज्ञान होगा। तो इसलिए हुआ है तो दिखा है तो किसको दिखा है? अच्छा यदि 4-5 आत्मा होते तो चलो परमात्मा को नहीं होता, मेरे को होता है, पर यहाँ तो आत्मा एक है, इसलिए प्रपंच दिखा है या संसार आया है, बंधन आया है, मुक्ति हुई है, तो किसी को सारे आत्मा तो, पर हुआ नहीं हुआ जैसा इवा शब्द है, इट एज इफ वी आर आई फील एज इफ आई एम बॉर्न एज इफ आई एम गोइंग टू डाई, तो इस तरह से ये वर्णन जो किया है।
तो ये भगवान, तो ये भगवान अब यहाँ अलग तो नहीं सिद्ध कर रहे हैं आप, हम अलग है भगवान अलग है नहीं, और हम ही हम अपने ही वर्णन नहीं यहाँ हो रहा है, अपना जो निजी स्वरूप था और सामान्य स्वरूप तो ये दिख ही रहा है बाहर, हम दुनिया को देखते हैं आंखों से देखते हैं, अपने को मनुष्य मानते हैं इत्यादि। तो इसलिए अब ये सुन करके उसको बाद में फिर ये मेडिटेशन करने के लिए, मनन करने के लिए ये अच्छी चीज है। इसको पता नहीं मई माया में पड़ गया हूँ तो भगवान दयालु है कि मुझे बहुत क्रूर है कि माया में कौन थे मेरे को ढकेल दिया है, तो भगवान तो दया है, उनको दयालु है मेरे परेशान में भगवान तो करेंगे नहीं, आज तो फिर आप कह किया तो फिर कौन किया होगा बताओ, आप माता पिता भी तो नहीं करते हैं। तो अपने संसार या अपने ये स्वरूप कुछ विचित्र है, ये इनस्क्रूटेबल है, माया है। तो अगर इसको क्लियर करने के लिए रास्ता हम बता रहे हैं, ये रास्ता बता रहे हैं क्या क्या करने से ये भ्रांति हटेगी, ये रास्ता बताएंगे। अब ये पूछने लगे भाई भ्रांति कहाँ से आई और किसने किया और क्यों किया, तो इसका कोई जवाब नहीं होगा अभी नहीं होगा, तो बाद में हो जाएगा। बाद में क्या होगा, अरे वो हुआ ही नहीं था, हुआ जैसा लगा वो हुआ ही नहीं था, तो यू डिसमिस योरसेल्फ, स्वप्न क्या आपका अभाव नहीं कर रहे थे, स्वप्न में पाइप टूटा था डॉक्टर आके ऑपरेशन किया तो उठ के क्या बोलेंगे आप, ना कोई पाइप टूटा ना कोई डॉक्टर रहा ना कुछ, मैं तो पलंग में तो सोया रहा था। तो उसके बाद उसको महत्व आप देंगे नहीं, उस प्रॉब्लम को ये महत्व नहीं देंगे।